पीछे देखिए, वो मेरी पीछे। आज हम आए हैं मैसूर पैलेस, चलिए अंदर देखते हैं अंदर से ये पैलेस कैसे दिखता है। ना बहुत ही सुंदर है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस। चलते हैं अंदर। हे गाइस, तो हम लोग टिकट काउंटर पे आ गए हैं टिकट लेने के लिए, आप देख सकते हैं। और टिकट का प्राइस है 100 रुपये, और 100 रुपये आपको कैश ही देना पड़ेगा, कोई भी जी पे गूगल पे पेटीएम अलाउ नहीं है। और इधर आप देखिए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए है, आपका भी चेकिंग होगा, आपके पास बैग है तो उसका भी चेकिंग करवा के तभी आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं इधर सब कुछ लगा है जो कि चेकिंग हो रहा है। इसके बाद हम इस पैलेस का, अभी हम अंदर आ गए हैं। इस पैलेस में टोटल 4 मेन गेट है जो एंट्री करने के लिए है। तो एक गेट है ये जिससे हम लोग आए हैं, 3 और हैं, ये आप देख सकते हैं दूर से, वो पूरा पैलेस का आउटर मैं आ गई हूँ मैसूर पैलेस के अंदर। पैलेस आप देख सकते हैं ये पैलेस कितना बड़ा है। अभी हम अंदर जाएंगे देखिए ये पैलेस कैसा दिखता है। ये देखिए आप पूरा पीछे से पैलेस, यहाँ का ग्रीन व्यू, पैलेस सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ये हम लोग अभी पैलेस के अंदर आए हैं, ये देख रहे हैं, ये अब जो पैलेस था अभी देवी माता के बगल में, वो पैलेस जब ये पैलेस लकड़ी का था तो उस टाइम पे ये पैलेस ऐसा दिखता था। तो इस पैलेस में एक बार एक राजकुमारी का, इनकी राजकुमारी का शादी था तो आग लग गई थी पैलेस में। तो ये आप पैलेस देख सकते हैं, ये जब नया बना तब वो अभी ऐसा दिखता है। ये देखिए आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में, अभी ये प्रीसेंट में ये पैलेस ऐसा दिखता है, जलने के बाद जब ये दोबारा बना। आप यहाँ का ये देखिए, सारा डिजाइन देखिए, प्रिंट देखिए, कितना सुंदर है, कितना अच्छा। ये देखिए जब पुराना था उस टाइम पे ये ऐसा दिखता था। और फिर इसको बनवाने के लिए, पूरे महल को बनाने के लिए, पूरे पैलेस को बनाने के लिए एक इंग्लैंड का आर्किटेक्चर आया था, जो कि इंग्लिश आर्किटेक्चर था, वो आके आके ये महल को उन्होंने बनाया है, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं गाइस, ये पेंटिंग अपने आप में बहुत अच्छा, उस टाइम में मॉडर्न पेंटिंग की तरह बना हुआ है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन देखें, ऐसा लगेगा कि ये पेंटिंग आपके साइड ही देख रहा है। ये जो भी इनके सैनिक है, घोड़ा है, महल है, ऐसा लगेगा जिस डायरेक्शन देखेंगे उसी डायरेक्शन में आपको वो दिखने लगेगा। तो गाइस ये जो आप अभी देख रहे हैं इसको कल्याण मंडप या विवाह मंडप भी बोलते हैं, जो पहले इस जो वडियार फैमिली के जो भी राजकुमारी और राजकुमार थे, जो प्रिंस प्रिंसेस थे, उनका शादी विवाह जो भी कुछ फंक्शन होता था यहीं पे होता था, इसलिए इसको मंडप बोलते हैं, विवाह मंडप भी बोलते हैं। तो आप लोग मंडप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, और अपने आप में डिजाइन के मामले में हर एक चीज में कितना यूनिक है ये महल, ये पैलेस। तो मुझे बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त लगा, स्पेशली इसका आर्किटेक्चर जिसने भी डिजाइन किया है बहुत सुंदर है। देखिए हाइट देखिए आप, ये देखिए अपने आप में ये महल ग्लो कर रहा है, ये जो मंडप, आप सोचिए उस टाइम में जब शादी विवाह होता होगा तो ये अपने आप में कितना अट्रैक्टिव लगता होगा। ये देखिए ये ब्यूटी है, ये इस महल का ब्यूटी है, जिसको ये जो जगह है, ये जो शादी मंडप है, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये देखिए अभी हम आ गए हैं स्टैचू वाले एरिया में, ये सारे स्टैचू आप देख सकते हैं। वो हाथी का जो दांत है ये रियल हाथी का दांत है एक्चुअली। ये देखिए उस टाइम पे लोग पूजा करते थे, सारे भगवान हैं ये, सारे गॉड जैसे पूजा होती थी। और ये देख सकते हैं, और पहले यहाँ पे क्या होता था, हर एक दशहरे पे 10 दिन का फंक्शन होता था,
ये देखिए गणपति बप्पा के जो लेफ्ट राइट और नीचे जो दांत है हाथी का, वो हाथी का रियल दांत है, अभी भी वो रियल है, अभी तक वो दांत है जबकि रियल है। ये देखिए ये पूरा का पूरा गोल्डन का है, पूरा का पूरा गोल्ड है, और आज के जमाने में इसका नेटवर्थ है 27 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 27 करोड़। ये देखिए सारे सिल्वर चेयर्स हैं, अभी हम जो आ गए हैं, जो प्रिंस और प्रिंसेस, जो प्रिंस और किंग थे, जो राजा राजकुमार रहते थे, वो इसी चेयर पे बैठते थे, और ये पूरा चेयर जो है सिल्वर का बना हुआ है, इसके लिए इसको सिल्वर चेयर भी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है ये, इसी की बात कर रही थी मैं, ये पूरा का पूरा गोल्ड का बना हुआ है, और ये उस टाइम का वहाँ पे ये स्टैचू था। इसको बोलते हैं लेटर बॉक्स बोलते हैं गाइस, लाइक अगर किंग को या राजा को किसी, अगर किसी को राजा से बात करना हो, अपना मैसेज भेजना हो, तो लेटर बॉक्स यूज होता था। ये देखिए ये ऑडियंस के लिए बना था, ये सारी ऑडियंस, अगर राजा के महल में कुछ भी होता था, किसी कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई फंक्शन होता था, तो लोग यहीं पे आके बैठते थे और राजा को सुनते थे। इसको हम दीवाने आम भी बोलते हैं, जैसे ये जो है ये दीवाने खास है। दीवाने खास का मतलब क्या होता है इसकी, ये जो होता है प्राइवेट ऑडियंस के लिए होता है। प्राइवेट ऑडियंस मतलब जो उनके अपने लोग होते हैं, गुप्त लोग होते हैं, जैसे उनके मंत्री हो गए, जो उनके विश्वसनीय लोग हैं, यहीं पे ये लोग बैठ के मीटिंग करते थे, अपनी योजना बनाते थे। और ये जो एरिया था बहुत अट्रैक्टिव था, लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और इसको ही बोलते हैं दीवाने आम। ये जो ये देखिए आम पब्लिक के लिए है, इसको एक तरह से ये तो वही है गोल्ड का जो मैंने आपको दिखाया था, ये सारे स्टैचू थे, दोनों तरफ थे, सेम सेम सब तरह के दोनों साइड से, तो मैं दोनों तरफ से ले ली हूँ। यहाँ पे देखिए कुश्ती होता था, इसको ये जो पूरा एरिया है, पूरा ये एरिया ये कुश्ती के नाम से, लाइक जहाँ पे पहलवान वगैरह लड़ाई करते हैं ना, कुश्ती करते हैं। तो ये चेयर है सिल्वर चेयर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आज के ये हाथी जो है ओरिजिनल हाथी, इसको केमिकल लगा के वहाँ पे लगाया गया है। ये महल जो मैं मिता माता रानी के बगल में, ये देखिए आप बाहर से भी देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और ऑडियंस के लिए देखिए, जब मैं यहाँ पहले आके ऑडियंस में जो बैठते, जब राजा किसी भी चीज़ पे बात करते, किसी कोई समस्या होती थी, ये कुश्ती वाला एरिया, ये आर्किटेक्चर यहाँ का कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर और अपने आप में बहुत यूनिक लगा। होप सो आपको भी अच्छा लगे, तो आप लोग भी आना घूमने के लिए, जरूर आपको पसंद आएगा। इसके ये चारों तरफ से था, इधर से भी आप जा सकते हैं, इधर से भी आप जा सकते हैं। एंट्री गेट, चार एंट्री गेट था, तो मैं चारों को कवर की हूँ। एक वो जहाँ मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना सुंदर और कितना अट्रैक्टिव है। ये देखिए आप डिजाइन देखिए, यही वही है दीवाने खास। मैं दूसरे साइड से ली हूँ इसको, जहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ के बातें करते हैं, योजना बनाते हैं, ये वही एरिया है। बहुत बड़ा था तो मुझे कवर करने के लिए हर साइड जाना पड़ रहा था, एक साइड से कवर करना पॉसिबल नहीं था। ये देखिए कितना सुंदर है, वडियार फैमिली का महल, एक नंबर, बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये इसको दोबारा बनाया गया है इस पैलेस को। और ताजमहल के बाद अगर कोई भी चीज़, कोई भी पैलेस अगर टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो वो मैसूर पैलेस है, जो कि टूरिस्ट लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे बहुत सारे गाइज, मैं आई थी यहाँ, जब मैं आई हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स दिखने को मिले, और वो सारे लोग गाइड लेके आए थे, ताकि उनको समझ में आ सके कि क्या खासियत है इस महल का, इस पैलेस का। तो ये बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत बहुत बड़ी जगह है, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ पूरे महल का। ये देख सकते हैं आप एरिया कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ये देखिए, ये देखिए वही है दीवाने आम, जहाँ पे जो हॉल है। ये दीवाने आम जो है ये पब्लिक को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर्स यहीं से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अपने डिजाइन और पैटर्न के मामले में
बहुत यूनिक था। गाइस, मैसूर पैलेस फाइनली हमारा घूम के हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। और अगर आप नए नए घूमने आए तो प्लीज 2 रुपए लेके आए चप्पल जूते के लिए, बिना 2 रुपए का अलाउ नहीं करेंगे वो रखने के लिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।